तो हाँ जी, क्या हालचाल? तो भाई ओप्पो रेडी है अपने ओप्पो रेनो 13 सीरीज को लॉन्च करने के लिए। अब इसके अंदर ना पूरे दो स्मार्टफोन है, ओप्पो रेनो 13, ओप्पो रेनो 13 प्रो। बट आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं ओप्पो रेनो 13 प्रो के बारे में। इसकी डिटेल सामने आ गई है और सुनिए, फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका। जब इसका रियर मतलब देखने में आया हुआ है, मैंने बैक साइड का लुक सामने आया हुआ है और देखेंगे जो कैमरा लेआउट ना किसी दूसरे फोन का ही कॉपी लगेगा। जी हाँ, सब कोई बस यही ब्रांड बची थी कॉपी करना, सब कोई कॉपी तो कर ही रहा है भाई। ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल है। कब तक लॉन्च होगी? बताया जा रहा है ये 25 नवंबर को सर चाइना में ये देखने को मिलेगा, उसके बाद ही इंडिया देखने को मिलेगा। फिलहाल क्या माल मसाला है सब सामने, जो दिखने में किस मतलब कैसा होने वाला, किसका कॉपी है सब बताएंगे। बस एक काम करना है, क्या छोटा सा काम है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके तो फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। और हाँ, पैसे कैसे कमाएंगे सब बताने वाला हूँ, बने रहिएगा। खैर, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देर खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूँ। तो हाँ जी, चलिए देखते हैं कि भाई साहब किसकी कॉपी किया गया। भाई साहब जबरदस्त कॉपी भी किया, जबरदस्त कॉपी किया गया है, माल मसाला क्या होने वाला सब बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई जबरदस्त है, क्योंकि यहां बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सोर्स की तरफ से बताया जा रहा है, और लीक्स रूमर्स भी है कि यहां पर आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिलेगा। जी हां, ग्लास का बैक तो होगा ही, मेटल फ्रेम ग्लास फ्रंट के साथ। लेकिन पता है फ्रंट में किसकी प्रोटेक्शन होने वाली है? बताया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कोर्डिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है, यानी कि दमदार तो होने वाली है। बट फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 180 ग्राम थिकनेस 7.4 mm, साथ ही IP69 की रेटिंग, यानी कि भाई साहब हाई प्रेशर्स को भी झेल लेता है, मैंने पानी का जो फोर्स लगेगा उसको भी झेल लेगा और धूल पानी से फोन को प्रोटेक्ट करने वाला है। मैंने आप पानी में डूब के भाई साहब स्विमिंग करो, फोन को कुछ होने वाला नहीं है, यानी कि बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है। बट दिखने में कैसा होने वाला है, चलिए बात करते हैं डिजाइन। दोस्तों डिजाइन की बात करें तो इसकी रियर इमेज सामने आई, अब देख सकते हैं ये भाई साहब पूरा का पूरा आईफोन की ही कॉपी किया गया। कैमरा लेआउट देखेंगे तो पूरा आईफोन की कॉपी है। बैक साइड आपको ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग एलईडी फ्लैश के साथ, वहीं नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ पूरा कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा 90% के आसपास। बॉडी टू रेशियो चेंज वेजस पतली सी। कलर्स की बात करें तो 3 कलर्स है, पहला होगा ब्लैक, फिर मिलेगा व्हाइट, एक होगा ग्रीन। कलर्स अभी चेंजेस हो सकते हैं, अभी ये लीक्स रूमर्स हैं, शायद एक आध और कलर यानी ये पूरा कलर ही बदल जाए। नहीं, कलर जो भी हो सबकी अपने प्रोस्पेक्टिव डिजाइन तो कॉपी की गई भाई साहब यहाँ पर। लेकिन सवाल है कंटेंट कंज्यूम के मामले में डिस्प्ले कैसी होगी, चलिए बात करते हैं डिस्प्ले। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें ना तो भाई साहब कसम से बोल रहा हूं, लिटरली डिस्प्ले जबरदस्त है, कंटेंट कंज्यूम के मामले में शानदार आने वाला है भाई, मजा आने वाला है। क्योंकि लार्ज डिस्प्ले है, यहां मिलेगा 6.83 इंच की 1.5K 10 बिट का 8T का LTPO OLED पैनल, 2780x1264 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 का एस्पेक्ट रेशियो, 450 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 5000 nits की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+, वाइड वाइन L1 सपोर्ट। तो भाई साहब लाजवाब है सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइटनेस तो इतना दे चुका कि कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे 2000 nits तक ज्यादा हो जाता, नहीं ये 5000 तक पहुंच गई है, यानी कि इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। रिफ्रेश रेट, टच सैंपलिंग, कॉम्बिनेशन शानदार है, सोशल मीडिया पेजेस करते हैं, गेमिंग करने मजा तो आएगा ही। कंटेंट कंज्यूम करते हैं, 10 बिट्स का 12 बिट्स का देना चाहिए था, बट 10 बिट्स का है। लार्ज डिस्प्ले है, 8T का LTPO OLED पैनल है, ऊपर से आपको 1.5K डिस्प्ले है, क्रिस्पी क्लियर है, पिक्सल PPI जो पिक्सल डेंसिटी अच्छी खासी है, यानी कि क्लियर देखने मिलेगा आपको। HD वाले आप कंटेंट HDR में रगड़ के देख सकते हैं, कि हम वाइड वाइन L1 और HDR10 पर सपोर्ट, यानी कि आप नेटफ्लिक्स को छोड़ के Amazon YouTube पर आप HDR कंटेंट रगड़ के देख सकते हैं भाई। सब कुछ तो जबरदस्त, अभी बात हुई थी गेमिंग को लेकर, तो मन में तो सवाल आ रहा होगा भाई साहब गेमिंग करने के लिए इसमें कौन सा दिमाग यूज किया गया, यानी प्रोसेसर कौन सा यूज किया गया, चलिए बात करते हैं। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो इस डिवाइस को शक्ति देगी MediaTek के तरफ से Dimensity 9300 प्रोसेसर, प्लस नहीं है, सिंपल 9300 प्रोसेसर मिलेगा। 4 नैनोमीटर के फैब्रिक से बनाया गया है भाई साहब, एनर्जी इफिशिएंसी जबरदस्त है, हीटिंग उसे काफी कम देखने को मिलता है। प्लस भाई कह रहे हैं भाई ओप्पो वाले कि यहाँ पर थर्मल मैनेजमेंट का भी सपोर्ट शानदार देने वाले, ऑप्टिमाइज भी अच्छा करेगी, हीट अच्छा बहुत ही कम होने वाला है,
कितना पावरफुल है, चलिए नजर डालते हैं इसके रॉ से। यहां मिलता है फोर कोर्टेक्स X4 जो कि 3.25 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक किया गया है, फोर कोर्टेक्स A720 जो कि 2 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक किया गया है। परफॉर्मेंस भाई साहब बटरी स्मूथ तो होने ही वाली है, जबरदस्त है, 60-90 FPS आराम से गेमिंग कर सकते हैं। मिलता है Armali G720 Immortalis MP12GB LPDDR5XM UFS 4.0 वाला स्टोरेज देखने को मिलेगा। रीड राइट किसी को ऑसम मिलेगी, 6-8 5GB देखने को मिल जाते हैं इजिली, 20,79,000 के आसपास आपको यहां पर ऑन टू स्कोर देखने को मिलता है, जबरदस्त है, बटरी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर की बात बताऊं, लॉन्ग टर्म आप गेमिंग करते हैं ना उसके बाद स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर बेस्ट होता है, ना कि डायमेंसिटी में क्या है ना, आप गेमिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म करेंगे फ्रेम रेट गिर जाती है, इसमें ड्रॉपिंग देखने को मिलता है, खैर डायमेंसिटी खराब नहीं है, अच्छा है। अब सवाल है कंटेंट कंज्यूम, डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर जबरदस्त है, कंटेंट करने मजा आने वाला, कंटेंट कंज्यूम करने में बिल्ड क्वालिटी अच्छी दे रही है भाई साहब, आईफोन की कॉपी है, देखने मजा आ रहा है भाई, तो भाई इमेज वीडियो और सेल्फी लेंगे इस मामले में क्वालिटी अच्छी होगी। चलिए बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों कैमरा की बात करें तो कैमरा भी शानदार है, तीन कैमरा तीनों काम के हैं। पहला है 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर OIS सपोर्ट, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट के साथ, वहीं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जबरदस्त भाई साहब, 8K 30fps 4K 60fps 1080 240 रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्वालिटी बंपर होने वाली है, डिपेंड करता है कि ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ऐसे क्वालिटी तो ऑन पेपर अच्छी होने वाली है। रही बात आपके खूबसूरत चेहरे रील शॉट्स वाले के लिए, आपको देखने को मिलने वाला है 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा, 4K 30fps 1080 60 रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छी होने वाली है, यहां पर ऑन पेपर देखा जाए तो अच्छी क्वालिटी होने वाली है। लेकिन इस सबको चलाने के लिए कितने एमएएच की बैटरी मिलेगी, चलिए बात करते हैं बैटरी की। दोस्तों बैटरी की बात करें तो आजकल भाई जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन है ना, वहां बैटरी बैटरी देखने को नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, पूरा बैटरा मिलेगा इस डिवाइस को, जान फूकने के मिलते पूरे 6000 एमएच की बैटरी, 80 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट, साथ ही वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। चार्जर बॉक्स में तो डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है बैकअप, शानदार निकाल कर देगा, डिपेंड करता है कैसे यूज करते हैं। लेकिन अब बात करें इसके सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की, नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस लॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा, सेंसर में सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी फ्रंट कांच हीटर पुटर, एनवीसी यूसी टाइप सी पोर्ट, डुअल स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ना कोई 3.5mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलने वाला है। लेकिन अब बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करें, लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 को पर आउट ऑफ दी बॉक्स, अधिक कलर वाइज 15 देखने को मिलने वाला है, यहां पर नीट एंड क्लीन तो होते नहीं है, ब्लॉडर होते ही है, 3 साल एंड्रॉइड 400 सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ देखने को मिल सकता है, ऐसा अपडेट आया हुआ है, चेंज भी हो सकता है। लेकिन अब बात करें इसके क्या दोस्तों वेरिएंट्स की बात करें, फिलहाल 3 वेरिएंट्स की अपडेट आई हुई है, पहला है 12+256, 12+500, 12+16+1TB। बट सवाल है कि भाई साहब पहली बात तो इस वीडियो थ्रू पैसे कैसे कमाएंगे और प्राइस क्या होगी, सब बताने वाला अपना एक टारगेट है, मात्र 200 लाइक का टारगेट है, पहुंचा दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली साथ, चैनल परिवार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर चलिए बात करते हैं प्राइस। दोस्तों प्राइस की बात करें तो अभी तो लीक्स रूमर्स है, वैसे भी कॉपी की गई है, ये चीजें मैं आप पर छोड़ता हूं, आप बताना कमेंट करके, कमेंट सेक्शन इसीलिए बनी हुई है, अपना ओपिनियन शेयर जरूर कीजिएगा, डिजाइन देखकर आपको क्या मन में आया वो जरूर बताना कमेंट करके, और माल मसाला देखते हुए कैसा लगता है, क्या प्राइस हो सकती है ये जब अपने भारत में लॉन्च हो गया, ऐसे तो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगी, नहीं कैसे क्या लगता है आपको, क्या प्राइस हो सकती है, कितना एक्साइटेड है ओप्पो रेनो 13 प्रो को लेकर, बताए कमेंट करके, और कमेंट जरूर कीजिए, यही कमेंट बॉक्स आप सबके लिए बना हुआ है, आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, मुझे भी कुछ जानकारी मिलेगी और जो नए व्यूअर आते हैं उनको भी हेल्प मिलेगा, तो कमेंट करते रहिए और यही सब पैसे भी कमा सकते हैं। कैसे? जितना कमेंट करेंगे उतने चांसेस इंक्रीज होते हैं पैसे कमाने के, मंडे टू सैटरडे इवन संडे वाले वीडियो का भी जो कमेंट आप कर रखे हैं उसका भी रैंडमली कमेंट सेलेक्ट करते संडे वाले ही वीडियो में आएगा, रैंडमली कमेंट सेलेक्ट होकर विनर का नाम अनाउंस होता है, क्या प्राइस बनी होती है, कैसे क्लेम करना, सब कुछ बताया जाता है, इसे कहता हूं कमेंट करिए, प्यार बरसाइए कि अगला नंबर आपका तो नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।